हमारे साथ एक आज हमारे साथ यहाँ अहमदाबाद में हमारी शिविर है, उसमें मालविका बहन ने बहुत अच्छी डिशेज सजाई हुई है। फर्स्ट है हमारा, क्या है बहन जी? लड्डू, तिल गौड़ सिंह और ड्राई फ्रूट लड्डू। तिल गौड़ सिंह, हाँ, कोपरा, कोपरा कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट उसके लड्डू है। उसमें कहीं भी कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं है, कोई मिल्क या मिल्क की कोई प्रोडक्ट नहीं है, और ऐसे लड्डू बनाए हैं आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हो। ये अभी सेकंड आइटम है, आचार है, ये आचार है पम्पकिन का, पम्पकिन और चना की दाल, चने की दाल है, पम्पकिन है और ये अनार के दाने यानी पम्पकिन। इतना अच्छा ये आचार लगता है। बाद में अभी ये थर्ड आइटम है पपीता, पपाया का, पपाया का संभारा, उसमें बहुत अच्छी तरह से सब सजाया हुआ है। मसाला भिंडी, मसाला भिंडी लेडीज फिंगर को इसमें हम ये क्या डालते हैं हम इसमें, इसमें ग्राउंड पाउडर, अमचूर पाउडर और ये पीनट्स का पीनट पाउडर, पीनट और उसका अंदर ग्रेवी करके ये करते हैं। इसमें आप टोमेटो भी कर सकते हैं, हाँ, ककड़ी, रवैया छोटा छोटा बैंगन, वो बैंगन भी कर सकते हैं, ये अलग अलग बना सकते हैं, हाँ। बाद में ये है नवरत्न सलाद, हाँ, नवरत्न सलाद। इसमें अलग अलग 9-10 चीजें हमने डाली हुई है, वो आप बना सकते हैं, उसमें कुछ भी डालो, थोड़ा अच्छा सजाया करते हैं। देसी चने, चने की चटपटी, चना चाट, चना चटपटी है, चना चटपटी देसी चने है, हाँ। सिर्फ उसको भिगो के रखा हुआ, हाँ, है और ये बनाए, उसको कहीं, हाँ, उबाला गया नहीं है, हाँ। इसको अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, दूसरे भी स्प्राउट्स ले सकते हैं आप। इसको 24 घंटे भिगोना पड़ता है, इसको लंबा टाइम भिगोना पड़ता है, तो अंदर वो 8 घंटे में पानी चेंज करने का, तो उसका जो बदबू है वो निकल जाएगा, अच्छा लगेगा। इसमें आप दूसरे भी जो भी है यूज कर सकते हो। इसके साथ है ये खजूर की चटनी, खजूर की चटनी, ये ग्रीन चटनी और ये ग्रीन चटनी, कोथमीर फुदीना की चटनी, कोथमीर फुदीना, मीठा लीमड़ा, वो भी आप, हाँ, ये कर सकते हो। बाद में है ये अपने जामफल, जमरुख, ये है केला आप ले सकते हो, और ये हमारा आज का स्पेशल, हाँ, जामफल का जूस, हाँ, सबका बनता है, बहुत बढ़िया। हमारी ऐसी किताबें भी है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उसमें अलग अलग है, आप यूज कर सकते हो। आपको नंबर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो बहुत इजी है बनाना। इसके लिए बहन जी ने समझाया है, आप घर पे बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। हमें पका के खाना है तो हमको तकलीफ होती है, ये सब में इतना स्किल की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी लेजीनेस निकाल के करना है। बहन जी अच्छी सेवा देती है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बेस्ट कर से એટલે એની ચિંતા ના કરતો, એ મસ્ત છે, તમે નથી એટલે એને આનંદ આનંદ હશે, જલસા હશે। આપણે આજે અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ ઉપર વાત કરીશું। પહેલા વાત કરીશું નવી ભોજન પ્રથાનો પરિચય, પછી વાત કરીશું આપણે મારો પરિચય, મારા પરિવારનો પરિચય, કર્યા છે 25.5 છે, એના માટે આ ડેન્ટલ ફ્લોસ ફોરેનમાં ઉપયોગ થાય છે, અહીંયા આપણે વાપરતા નથી। ડેન્ટલ ફ્લોસ આ રીતે દરેક દાંતની અંદર ફેરવી કાઢો, એક જ મિનિટ થાય, કચરો કાઢી નાખો એટલે દાંતનો કચરો થાય નહીં। બીજો છે ટૂથ પાવડર, અત્યારે તમે જે વાપરો છો ને ટૂથપેસ્ટ, એ ખોટો પૈસાનો બગાડ છે। એનો મગ ખાઓ, એક દિવસ તમે રજકો ખાઓ, રજકો એટલે આલ્ફા આલ્ફા કહેવાય ઇંગ્લિશમાં એને, જે ગાયો ભેંસો લસકો ખાય છે ને એનું બીજ છે આ। આને તમે સ્પ્રાઉટ કરીને ખાઓ, તો આની ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ બહુ જ સરસ છે, પ્રોટીન બી બહુ સારું મળે એને।